दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत देवरान गांव में दीपावली की रात हुए मामूली बात के विवाद के बाद सूर्य ग्रहण के दिन एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दिए जाने का दुखद दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है। घटना की जानकारी लेते ही कलेक्टर SP सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है। विवाद की जड़ क्या है भाई? थोड़ी लड़ाई चलती थी, ये है घर बना है जो हमारा, वो सोचते थे कि इनको भगा दो, मतलब ये गरीब आदमी है तो इनको यहाँ से भगा दो, इस पे विवाद चल रहा था, इसी वजह से उनने लड़ाई करते रहते थे। कितने लोग मारने आए थे? हो गए 20-25 लोग थे, सब फतेह भाईचारी ने सब। क्या नाम है इन तीनों के? एक को मानक और चाचा को नाम है। आज सवेरे दो परिवारों के बीच में विवाद हुआ था, एक घमंडी अहिरवार का परिवार था और दूसरा जगदीश पटेल का परिवार। इनमें कुछ महिला संबंधी इशू था, अभी स्थिति विवेचना के दौरान स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने, 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती राज प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पर डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा और जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्तार। आज की मैसेज प्राप्त हुआ है कि एक परिवार के 3 व्यक्तियों की यहाँ पे हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस सुबह ही पुलिस की टीम जो है अपने यहाँ पे उपस्थित रही है और ये अपना पूरा घटनास्थल देखने के लिए और इसमें जांच पड़ताल के लिए भी अपनी बाकी अगर कोई भूमि संबंधित इशू हो या पुराने कोई इशू हो उसको भी जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जांच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर जो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी वो सब भी करेगी। प्रशासन की ओर से कोई सहायता भी जो भी इस खूनी घटनाक्रम ने दीपावली की खुशियों को जहाँ मातम में बदल कर रख दिया है, वहीं एक बात और साफ हो गई है कि दबंग लोगों की नजर इस गरीब परिवार की जमीन पर थी जिसको लेकर आए दिन इशू बनता रहता था और इसी पर से हत्या की गई। ये ताकझांच तो सिर्फ बहाना बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कानून के लंबे हाथ कब तक दबंग अपराधियों तक पहुंचते हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कब तक हो पाता है।